वालिदैन जब नाराज़ फौत होकर चले गए हों, क्या लिखा है जी, उनकी रूह को सुकून, तो उसके बाद कौन सा वजीफा पढ़े जो इनकी रूह को सवाब मिले। अच्छा अच्छा अच्छा, वालिदैन जब आपसे नाराज़ गए हैं तो दो बातें हैं, आपने उनका हक खाया था तो उनका हक उनके वरसा तक पहुंचा दो। ऐसी बात नहीं थी कि हक खाया हो, सिर्फ कुछ ऊपर नीचे के मामलात थे, तो फिर भी दो बातें, अपने माँ बाप के लिए इस्तग़फ़ार और इसाल सवाब करते रहो, पढ़ पढ़ के उनको बख्शते रहो ताकि उनका नेकी वाला आमाल नामा तो खुला रहेगा। हदीस में यदउ लहू, जो औलाद पढ़ पढ़ के बख्शेगी माँ बाप को मिलेगा। नंबर दो, अपने वालिदैन के दोस्तों के साथ ताल्लुकात अच्छे रखो। आपकी अम्मी की सहेली है तो उसको खाला समझो, उसके घर में भी कुछ लो और दो, लो के बजाय दो बेहतर है। आपके अब्बू का दोस्त है तो उससे अपना चचा समझो और उसके साथ अच्छाई के ताल्लुकात रखो। कल क़यामत में जब आपके वालिदैन उठेंगे तो उनको आपकी गए हुआ नामा आमाल में नेकियां भी मिलेंगी और अपने दोस्तों की सिफारिश भी मिलेगी कि आपका बेटा बहुत अच्छा है, तो उम्मीद है वो आपसे राज़ी होंगे।